हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अरे अपनी माया का प्रयोग मुझ पर कर रहे हो? अरे मैं स्वयं सबसे बड़ा मायावी हूँ, मुझ पर तुम्हारी माया काम नहीं करेगी। स्तंभासुर आ रहा है। कहीं इसका ये तो नहीं कि उसने युवराज आल्हाद को पराजित कर दिया है? निश्चित ही यही बात है। इस उन्मत्त असुर के प्रकोप को रोकने के लिए मुझे ही जाना होगा। मैं आ रहा हूं। स्तंभासुर, अंधकासुर की चाल मैं समझ गया हूं। वो तुम्हारे माध्यम से असुरों के राज सिंहासन पर कब्जा करने के सपने देख रहा है। मैं उसके सपनों को हवन कुंड में भस्म कर दूंगा। हिरण्यकश्यप! कहां थे तुम? मेरे भय से आतंकित होकर असुरों के राज सिंहासन के नीचे छुपे बैठे थे। स्तंभासुर, बड़े तिल मिला रहे हो। मेरी सच्ची बात से चोट पहुंची ना? तुम्हारे कवच का भेदन करके सीधा दिल को छेद डाला है इस सत्य ने। सच और झूठ का निर्णय हम बाद में करेंगे स्तंभासुर। इस समय हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम चुपचाप हमारी शरण में आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मृत्यु के हवाले कर देंगे। अपने ही मृत्यु को मृत्यु के हवाले करने के सपने देख रहे हो तुम? हिरण्यकश्यप, तुमने मेरे मित्र अंधकासुर से उसका सिंहासन छीन कर असुरेश्वर अंधकासुर को धोखा दिया है। तुम भूल रहे हो स्तंभासुर कि साक्षात गुरुदेव शुक्राचार्य ने हमें असुरेश्वर बनाया है। परंतु तुम ये भी भूल रहे हो हिरण्यकश्यप कि तुम्हारे भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद इन्हीं गुरुदेव शुक्राचार्य ने तुम्हें नहीं अंधकासुर को असुरों के राज सिंहासन पर बैठाया था। तब गुरुदेव शुक्राचार्य का तुम पर विश्वास नहीं था और आज यकायक तुम उन्हें विश्वास के योग्य दिखाई देने लगे हो। नहीं हिरण्यकश्यप, इसमें मुझे षड्यंत्र की गंध आ रही है। ये सब शुक्राचार्य का षड्यंत्र है। खामोश दुष्ट, खामोश। हम सबको सहन कर सकते हैं, परंतु गुरु शुक्राचार्य का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकते। स्तंभासुर, इस अक्षम्य अपराध का तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। हम इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। मृत्यु दंड? Oh, my God.
स्तंभासुर और हिरण्यकश्यप का युद्ध असल में निष्ठाओं का युद्ध है। हिरण्यकश्यप की निष्ठा अपने गुरु शुक्राचार्य पर है और स्तंभासुर की अंधकासुर पर। दोनों की निष्ठाओं को चोट पहुंचने के कारण दोनों के मन घायल हुए हैं और इसी कारण दोनों घायल शेरों की तरह आपस में झपट पड़े हैं। परंतु इसका परिणाम क्या होगा? अंतरिक्ष में यदि दो ग्रह आपस में टकरा जाएं, तो क्या होगा? विनाश ही होगा ना उमा? हाँ दीदी, परंतु इस स्तंभासुर और हिरण्यकश्यप के टकराव से संपूर्ण असुर लोक यदि विनाश के कगार पर पहुंच गया तो कयाधु का क्या होगा? उमा, प्रभु का आशीर्वाद जिसके साथ है उसकी छाया से मृत्यु भी दूर भागती है। दंड अपराधी को दिया जाता है हिरण्यकश्यप, और अपराधी हो तुम अंधकासुर के अपराधी। इसीलिए दंड देने का अधिकार मुझे है, तुम्हें नहीं। तुम मुझे दंड दोगे? बहुत अच्छा, चलो दो, मैं भी देखता हूं। स्तंभासुर, मैं यहां हूं स्तंभासुर। अरे अपनी माया का प्रयोग मुझ पर कर रहे हो? अरे मैं स्वयं सबसे बड़ा मायावी हूं, मुझ पर तुम्हारी माया काम नहीं करेगी। हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मैं तुम्हारी नई रानी को ले जा रहा हूं। कयाधु का हरण अवश्य करूंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे, कौन आड़े आता है मेरे। कयाधु, मैं आ रहा हूं। तुम मुझसे भाग नहीं सकती कयाधु, मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। क्या दो क्या दो बचाइए, उसे बचाइए गुरुजी।
मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं तुझे ले जाऊंगा। असुरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए असुरेश्वर, असुरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। दीदी, स्तंभासुर तो अभी तक भक्षक बना हुआ है और इस समय तो उसके हाथों से कयाधु को बचाने की आवश्यकता है। उमा, परिवर्तन के लिए कभी कभी एक क्षण भी बहुत होता है। प्रभु ये लीला किसी भी समय दिखा सकते हैं, परंतु इस समय सृष्टि के ऊपर विकारों की घनघोर घटाएं छाई हुई हैं। स्तंभासुर इन्हीं विकारों के अधीन हो गया है। हाँ उमा, स्तंभासुर इस समय प्रतिशोध की अग्नि में बावला हो रहा है, परंतु वो समय दूर नहीं जब वो स्वयं कयाधु और उसके होने वाले पुत्र की रक्षा करेगा। स्तंभासुर! कीजिए गुरुदेव, गुरुदेव कयाधु की रक्षा कीजिए। इस पापी ने तो सेना के साथ साथ असुरेश्वर को भी स्तंभित कर दिया है। गुरुदेव, गुरुदेव दोनों की रक्षा कीजिए। गुरुदेव दोनों की रक्षा कीजिए। गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। गुरुदेव तुम निश्चिंत रहो रानी कयाधु, मैं इस पापी को इसके किए हुए का दंड अवश्य दूंगा। आप दंड दोगे गुरुदेव, आप। कदापि नहीं, जो स्वयं पाप करते हैं वो दंड नहीं देते, दंड पाते हैं। और मैं आपको दंड देने आया हूँ आपके पापों के लिए। स्तंभासुर, तुम मुझे पापी कह रहे हो, असुर होकर असुरों के गुरु का अपमान कर रहे हो। मैं आप जैसे पापी को गुरु नहीं मानता। मैंने कौन सा पाप किया है? मेरे मित्र अंधकासुर को असुर सिंहासन से उतार कर आपने कोई पुण्य तो नहीं किया? अरे पुण्य ही किया है मैंने, पुण्य। असुरों के हितों की रक्षा करना पुण्य ही है। अंधकासुर ने असुरों का राजा होकर भी असुरों के हितों को देवताओं के चरणों में डाल दिया था ताकि वो उसे ठोकर मार दे। ऐसे विरोधी से राजपाट छीन लेना पुण्य ही है। मैं ये सब नहीं जानता, मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि आपने मेरे मित्र से उसका राज छीना है और मैं उसकी राजगद्दी पर किसी को बैठने नहीं दूंगा। मैं हिरण्यकश्यप और उसके समस्त परिवार तथा उसके राजपाट को नष्ट कर दूंगा। उधर देखो, मैंने किस तरह सारी असुर सेना को निर्जीव पुतलों में बदल कर रख दिया है। रानी कयाधु को भी ले जा रहा हूँ। अरे उद्दंड मूर्ख असुर, ब्रह्मा जी से एक तुच्छ सा वरदान प्राप्त करके तू मुझे और मेरे तपोबल को ललकार रहा है। अपनी शक्ति का गुणगान करके मुझे भयभीत करना चाहता है। तू नहीं जानता कि इस शुक्राचार्य के कमंडल में न जाने कितने देवताओं के वरदान पड़े सर रहे हैं, परंतु ये शुक्राचार्य कभी वरदानों की बैसाखी का सहारा नहीं लेता। जो कुछ भी करता है अपने तपोबल के बल बूते पर करता है। देखता हूँ आपका तपोबल बड़ा है या मेरी शक्ति। स्तंभासुर, तेरी शक्ति द्वारा स्तंभित किए हुए निर्जीव पुत्रों को मैं केवल सजीव ही नहीं कर सकता, बल्कि इन्हें बिना पर के पक्षी की भांति आसमान में उड़ा भी सकता हूँ। परंतु मैं तुझ जैसे तुच्छ असुर के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहता। मैं केवल इन्हें सजीव करके तुम्हारे वरदान की माया को नष्ट कर दूंगा। शुक्राचार्य अवश्य कोई भयंकर शक्ति का आह्वान करने वाले हैं।
इससे पहले कि उनका तपोबल मेरे विनाश का कारण बने, मैं उन्हें भी अपनी शक्ति द्वारा स्तंभित कर देता हूं। असुर, मैं जानता था कि तुम जैसा गुरुद्रोही विश्वासघाती अंधकासुर का ही मित्र हो सकता है, इसलिए मैंने अपने तपोबल से पहले ही सुरक्षा कवच बना लिया था। सावधान हो जाओ स्तंभासुर, अब मैं तुम्हारी मृत्यु अर्थात हिरण्यकश्यप को सजीव करने वाला हूं, वही तुम्हारे अशुभ जीवन का अंत करेगा। गुरुदेव, माया नष्ट हो गई है, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे और मुझसे बचकर भी नहीं जा सकोगे। परंतु तुम्हारी पत्नी को बचाएगा कौन? यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी इस लाडली पत्नी को नीचे फेंक दूंगा। मैं कहता हूं रुक जाओ हिरण्यकश्यप, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ।